इतने कपड़े निकाल तो लिए हैं मैंने, मगर मेरे बच्चे तो नहीं पहनेंगे। चलो अपनी बहन के बच्चों को दे दूंगी। बीबी जी मैंने सारी सफाई कर दी है, अगर कोई और काम है तो बता दें। कोई सब्जी वगैरह लानी है? नहीं अभी तो कोई काम नहीं है, मैं जरा ये कपड़े संभाल लूँ उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। तुम तब तक कोई और काम देख लो। जी ठीक है बीबी जी। अच्छा बीबी जी ये सर्दियों के कपड़े हैं ना, अगर कोई स्वेटर या जर्सी काम की ना हो तो मुझे दे दें, क्योंकि सर्दी काफी बढ़ गई है, मेरे बच्चे पहन लेंगे। ब्रांडेड कपड़े हैं ये, ब्रांडेड, इन पे नजरें जमा के खड़े हुए हो तुम। मेरे बच्चे भले ये पहने या ना पहने, मगर तुम्हें मैं हरगिज नहीं दूंगी। तनख्वाह मिलती है ना हर महीने तुम्हें, तो जाकर लो लंडे से। महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में तो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, गर्म कपड़े मैं कहाँ से खरीदूं, मेरी औकात तो लंडे में जाने की भी नहीं है। तो हम क्या करें, महंगाई सिर्फ तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं है। तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारे साथ जितने पैसे कमाते हैं सब तुम्हें दे दें हम उठा के? नहीं नहीं मैंने ऐसे तो नहीं कहा, माजरत अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो पहले सोच के बोला करो, जाओ यहाँ से। जी ठीक है। अब्बा सर्दी बहुत हो गई है, स्वेटर तो ले दें। बेटा मैं क्या करूं, अभी तनख्वाह नहीं मिली, कुछ दिन इंतजार कर लो मैं ले दूंगा। अब्बा मुझे लगता है आप इस बार भी यूं सर्दियां गुजार देंगे। अल्लाह खैर करेगा मेरे बच्चे, तुम यूं तो ना कहो, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द तुम्हें गर्म कपड़े दिलवा दूंगा। अगर बीबी जी एक दो जर्सियां और जराबे दे देती तो उनका क्या चला जाता। खैर कोई बात नहीं, खुदा मालिक है। भाईजान ये जैकेट कितने की है? ये भाईजान 700 में मिल जाएगी आपको, बहुत लेवल का पीस है, ले जाएं आप जल्दी से। 700? भाईजान खैर तो है, लंडे का माल है और आप इतने पैसे मांग रहे हैं। लंडे का माल है तो क्या हुआ, मुफ्त में थोड़ी आया, लेना है तो ले लो, 600 में दे दूंगा आपको। भाई 600 तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास 200 है, अगर उतने में समझ आता है दे दो। ओ जाओ यार, दिमाग खराब ना करो मेरा, रोजी करनी होती है मैंने। वाह आप आ गए, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी, ये कुछ गर्म कपड़े निकाले थे मैंने, अपनी बहन के घर देने जाना था। खैर है आप इतने चुप चुप क्यों हैं? बस जब मैं वापस आ रहा था मैंने देखा अनवर अपने बच्चों के लिए कुछ ले रहा था, शायद गर्म कपड़े ले रहा था, और उसके पास पैसे भी कम थे, रेडी वाले ने बेइज्जती करके उसे वापस भेज दिया। चलो एक तो आप भी ना हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, ये तो आजकल हर गरीब का मसला है। उसे चाहिए था कि अपने खर्चे इस तरह से मैनेज करता कि अब अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकता। गरीब बंदा चाहकर भी ये नहीं कर सकता। अच्छा मैं सोचा था ये कपड़े अनवर को दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारे बहन और बहने भी तो नए कपड़े ले लेंगे, लेकिन वो गरीब नहीं ले पाएगा। क्या हो गया आपको, एक नौकर की इतनी फिक्र? सुबह मांगे थे उसने मुझसे कपड़े, मगर मैंने तो साफ मना कर दिया, अब आप ना शुरू हो जाना फिर से, बस करें। खुदा का खौफ करो, तुम्हें किस चीज की कमी है? अब्बा आप नहीं लेकर आए ना हमारे लिए कपड़े, हम जानते थे आप नहीं लेकर आएंगे। हाँ हाँ नहीं लाया, आइंदा के बाद मुझसे ऐसी फरमाइशें ना करना। अब तुम लोगों का पेट भरूं या गर्म कपड़े लेके दूं तुम्हें पहनने के लिए? परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों का पेट भी भरेगा और वो सर्दी से भी बचेंगे। मालिक आप लोग मेरे घर आ जाएं ऊपर आ जाएं। ये बच्चों के लिए गर्म कपड़े हैं और ये कुछ पैसे भी हैं, और इसकी फिक्र मत करना, तुम्हें तनख्वाह भी पूरी मिलेगी। बहुत शुक्रिया साहब जी, मुझे समझ नहीं आ रही आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। शुक्रिया बीबी जी, ये लो बच्चो कपड़े आ गए तुम लोगों के, ये लो। देखा बेगम इनके चेहरे पे स्माइल, कितना खुश हो रहे हैं ये, चलें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।